4 मई 1799 का ही वो दिन था जब इस मुल्क की एक अजीम शख्सियत शेरे हिंदुस्तान टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने उनके गद्दार सेनापति के साथ मिलकर धोखे से शहीद कर दिया था। उस वक्त पर जरा गौर करें, जब हिंदुस्तान के तमाम नवाब और रजवाड़े अंग्रेजों की हुकूमत को सर झुकाकर तस्लीम कर रहे थे, तब टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत को दांव पर लगाकर अंग्रेजों को छेड़ दिया था। मगर आज उनके महज मुसलमान होने के नाम पर सियासत की जाती है। मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि टीपू सुल्तान एक दुनियावी हुक्मरान से उन्होंने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किए। नंजनगुड के ही नंजनदेश्वर मंदिर को हरा सा शिवलिंग भेंट किया। श्रीरंग पटना के रंगनाथ मंदिर को टीपू सुल्तान ने 7 चांदी के कप और 1 रजत कपूर ज्वालिक पेश किया, जो अब भी मंदिरों में मौजूद है। लेकिन अंग्रेजों को हिंदुस्तान के लोगों के बीच यूनिटी और भाईचारा ही तो गवारा नहीं था। उन्होंने टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी लिखकर जनता को भड़काया और आज भी उनको हिंदू विरोधी कहकर सियासत की जाती है। जबकि उनके पास राम नाम की अंगूठी भी थे, जिसे अंग्रेज अपने साथ ले गए, जो आज भी लंदन की म्यूजियम में मौजूद है।